हेलो फ्रेंड, सेल्फ कुकिंग में आज देसी मुर्गी बनाएंगे। ये देखिए मेरा फ्रेंड देसी मुर्गी पकड़ा हुआ है, इसको अभी हम काटेंगे। आप लोगों को काटते हुए नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत आदमी को खून देखने से दिक्कत हो सकता है। तो चलिए काट लेते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड, ये मटन कटिंग हो गई है, मुर्गा कटिंग हो गई है। ये मसाला है, देखिए एकदम सिंपल मसाला में बनेगा। अभी इसको हम ग्राइंडिंग कर लेंगे। ये मसाला भी पिसा गया, अभी ये दोनों को मिलाएंगे। नमक डाल देंगे, हल्दी डालेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है, जितना ज़रूरी है बस उसे कम डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा डालिएगा तो चिकन काला हो जाएगा, कलर ठीक नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। थोड़ा सा कच्चा तेल भी डाल देंगे, अभी पिसा हुआ मसाला भी डाल देंगे इसके अंदर। अभी इसको अच्छा से मिला लेंगे। कुछ देर ढंग से मिलाने के बाद इसको छोड़ देंगे। अभी लगभग आधा घंटा हो गया, अभी इसको आगे का प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी चिकन बनाइए, मटन बनाइए, कुछ भी बनाइए, पहले कढ़ाई को बहुत अच्छा से गर्म होने दीजिए। अगर कढ़ाई गर्म नहीं हुआ तो ये आपको चिकन या कुछ भी बनाइए पकड़ लेगा। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तब इसमें तेल डालिए। तेल डाल दिए, तब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, तेल तेल जब डाल दिए तेल को भी अच्छा से पकाइए, अच्छा से गर्म होने दीजिएगा। तेल एकदम धुआं उड़ेगा तेल से, तभी मान लीजिएगा तेल गर्म हो गया, उसका बाद ही कुछ डालिएगा। अभी देख पा रहे तेल से धुआं उड़ रहा है, तो आप मान सकते हैं तेल गर्म हो गया, अभी इस पर डाल सकते हैं। ये हम डाल देते हैं चिकन इसमें। उसके बाद थोड़ा सा ढक दीजिएगा 5 मिनट तक। 5-7 मिनट के बाद इसको निकालिए। चिकन का टेस्ट ही उसका फ्राई पे आएगा, जितना ज़्यादा फ्राई कीजिएगा टेस्ट उसको होना ही है। जैसे आप देख पा रहे हैं कभी भी पकड़ने का चांस नहीं है कढ़ाई में। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो है मसाला जितना अच्छा से फ्राई होगा उतना टेस्टी होगा चिकन, कभी भी ध्यान में रखिएगा। बस ऐसे फ्राई करते रहिए। तो जैसे आप देख पा रहे लगभग आधा घंटा जला है इसको, तो चिकन सीज गया बिल्कुल। तो इसमें हम ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन ऑलरेडी सीज चुका है, बस ग्रेवी लाइक। आफ्टर ऑल चिकन बन चुका है। चिकन में कभी ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखिएगा, ज़्यादा ग्रेवी रखिएगा तो उतना टेस्ट नहीं बन पाएगा। एक बार देख लीजिए चिकन का कलर कैसा है, कलर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। चिकन निकाल लिए, अभी इसको टेस्ट कराएंगे। वाह सुपर, देखिए ये चिकन कितना अच्छा से पका हुआ है, इसका मसाला भी पूरा अंदर तक गया हुआ है, अच्छा से पक चुका है और ये खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसका हम टेस्ट करेंगे। फंटास्टिक, बहुत बढ़िया टेस्ट। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में कोई रेसिपी के साथ।